वेलकम टू माई चैनल झारखंड लाइव। तो गैस यहाँ पे देखिए क्लास इलेवंथ के स्टूडेंट्स के लिए ना काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पर एक आई हुई है। यहाँ पे क्लास इलेवंथ के जो भी स्टूडेंट्स हैं एंड उनका जो एग्ज़ाम है 19 तारीख वाला, वो एग्ज़ाम को फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया, यानी कि उस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। ठीक है, वो एग्ज़ाम कब होगा एंड क्यों ऐसा किया गया है वो इस वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ। एंड आप लोग देख सकते हो ये जैक बोर्ड का ऑफिशियल नोटिस है। ठीक है, मैं आपको प्रूफ भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप लोग वर्ग कक्षा 11वीं की परीक्षा 2023 के संबंध में आवश्यक सूचना विज्ञापित संख्या 19/2023 के क्रम में एतद् द्वारा झारखंड राज्य के सभी कोटि के प्लस टू विद्यालय महाविद्यालय के प्रधानाचार्य छात्र छात्राओं से संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 19/4/2023 को दोनों पालियों में आयोजित होने वाली कक्षा 11वीं की परीक्षा अपरिहार्य कारणवश स्थगित की जाते हैं स्थगित की जाती है। उक्त विषय की परीक्षा नियमतः क्रमानुसार आयोजित की जाएगी। यानी कि गाइस बोला जा रहा है कि जो 19 तारीख की परीक्षा है उसको अभी फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, एंड ये परीक्षा जो आप लोग का 20 तारीख को कराया जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग के यहाँ पे क्या ही डेट यहाँ बताया जा रहा है, आप लोग का बताया जा रहा है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, 20/4/2023 दिन थर्सडे, पेपर वन यानी कि सेटिंग वन में जो है ना आप लोग का पेपर थ्री यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट थ्री एंड फोर फॉर साइंस एंड कॉमर्स, ड्यूरेशन 2 आवर्स मतलब 2 घंटे का एग्जाम होगा, 10:45 से 1 PM तक में आप लोग का एग्जाम होगा और 2 सब्जेक्ट का होगा तो 40-40 अंकों का यहाँ पे आप लोग का एग्जाम होगा। सेकंड सेटिंग में देख लीजिए वही पेपर में, पेपर थ्री में इलेक्टिव लैंग्वेज होगा जो कि आस वालों के लिए है, ड्यूरेशन 1 घंटा का एग्जाम होगा 2 बजे से 3:15 तक में और नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहेंगे, यानी कि एक पेपर का ही एग्जाम है तो इसलिए 40 नंबर बताया जा रहा है। तो आप लोग जो है ना यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी आप लोग को मैंने आप लोग बता दिया कि आप लोग का जो 19 तारीख का एग्जाम उसको कैंसिल करके 20 तारीख को कराया जाएगा। ठीक है, एंड 20 तारीख को जो है आप लोग सेटिंग वगैरह अच्छे से देख लीजिए। मैं आप लोगों को बोलूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी विद्यार्थी तक ये न्यूज पहुंच पाए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों तक न्यूज नहीं पहुंच पाता है और वो एग्जाम छूट जाता है उनका, क्योंकि क्लास ट्वेल्थ में सेम हुआ था कि क्लास ट्वेल्थ का एक एग्जाम कैंसिल हुआ था 24 तारीख का एंड वो एग्जाम फिर 6 को हुआ था, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम छूट गया था। तो मैं आपसे भी बोलूंगा कि प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ तो बिल्कुल भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को पता चल पाए। और इसको डाउनलोड करना चाहते हैं इस नोटिफिकेशन को, तो आप लोग को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, झारखंडला.com में जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मैं टेलीग्राम पे इसका लिंक डायरेक्टली शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए संबंधित प्राचार्य एवं केंद्र दीक्षक को यह निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 18/4 को वह अपने संस्थान के नोटिस बोर्ड एवं वर्ग कक्षा परीक्षा के ब्लैक बोर्ड पर इन आवासीय सूचनाओं को प्रकाशित कर सुनिश्चित करें ताकि सभी छात्र छात्रों को अनावश्यक परेशानी का सामना ना करना पड़े। यानी कि बोला जा रहा है कि 18/4/2023 को जहां भी एग्जाम हो रहा है यानी कि एग्जाम सेंटर में या फिर स्कूल में जो भी है अपने ब्लैक बोर्ड में या फिर नोटिस बोर्ड में इस चीज़ को जरूर से वहाँ पर लिखने को बोला गया है कि ताकि सभी विद्यार्थियों को पता चल पाए। लेकिन मैंने तो आज ही आपको बता दिया और आप तो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हो इसलिए आप लोग इसको शेयर भी कर दोगे। ठीक है, एंड यहाँ पे आप लोग डेट भी देख सकते हो, डेट 17/4/2023 को ये नोटिफिकेशन अभी आया हुआ है। ठीक है, अभी जस्ट ही आप लोग आया हुआ है नोटिफिकेशन एंड ये जो है पब्लिश का डेट ऑफ पब्लिश, देखो DOP लिखा हुआ है ना, तो डेट ऑफ पब्लिश 18/4 को, यानी 18/4 को न्यूज़पेपर के थ्रू या फिर आपके एग्जाम के सेंटर के थ्रू सभी जगह पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी आप लोग मैं बता दे रहा हूँ कि ताकि आप लोग पहले से अवेयर रहो और अपने प्रिपरेशन भी इसे अकॉर्डिंग कर पाओ। ठीक है, तो जो भी था गाइस मैंने आप लोग को वीडियो बता दिया, इस वीडियो को शेयर करना आपका काम है एंड आप लोग जो है ना 18 तारीख को एग्जाम देने नहीं जाओगे। ठीक है, सॉरी 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 18 तारीख को नहीं, 19 तारीख को एग्जाम देने नहीं जाओगे आप लोग। 19 तारीख का एग्जाम आपका कैंसिल हुआ है, मतलब पोस्टपोन हुआ है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो 19 तारीख का एग्जाम आपका पोस्टपोन हुआ है और आप लोग का जो 19 तारीख का एग्जाम है वो 20 तारीख को कराया जाएगा। ठीक है, तो जो भी था मैंने बता दिया, अब इस वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट से अपने दोस्तों साथ और नीचे मैंने लिंक भी दे दिया है जिसके थ्रू आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। एंड एक और चीज बोलना चाहूंगा कि क्लास 11th का जितना भी आंसर की है हमारे वेबसाइट झारखंडला.com पे आता है, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर के अपना आंसर की मिला सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गाइज।